बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू FS फूड स्टूडियो। आज मैं आपके लेकर आई हूँ लाहौर के बहुत ही मशहूर लड्डू पीठी की रेसिपी, ठेले वाले की सीक्रेट रेसिपी। आज आपके साथ शेयर करूँगी क्या टिप्स और ट्रिक्स वो अपनाते हैं जिससे जो है उनके लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और नहायत ही लजीज होते हैं, उनकी चटनियों में क्या कमाल है कि उनके ठेले पर इतना रश होता है। तो आज से आप भी बना सकेंगे सीक्रेट रेसिपी को फॉलो करते हुए हाइजीनिक लड्डू पीठी, वो भी घर पर सेम वही फ्लेवर्स के साथ। तो उसके लिए आपने हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में है आधा किलो यानी कि 2 कप चने की दाल, और इसके साथ है मेरे पास 25 ग्राम यानी कि जितनी मुट्ठी में आ जाए माश की दाल, और इसके साथ है मेरे पास 25 ग्राम या फिर जितनी मुट्ठी में आ जाए मूंग की दाल। और इनको तीनों दालों को मैंने ओवरनाइट रात को सोक कर दिया था, और अब मैंने इनका पानी निकाल लिया है। चने की दाल में जो है मैंने आधा कप पानी जो है वो रहने दिया है, और अब हम तीनों दालों को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। अब हम ले लेते हैं एक फूड प्रोसेसर और उसके अंदर डाल देंगे हाफ दाल, और आप दाल में देखिए पानी मौजूद है तो आधा कप पानी जो था वो है, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी अभी ब्लेंड करते हुए डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी मैं बाद में डालूंगी। इसको आपने अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ पर आप देखें इसको बीच बीच में आपने मिक्स करते रहना है तो अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा। दाल को जो है वो आपने कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए ज़रूर सोख करना है, अदरवाइज़ आपकी दाल जो है अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है हमारी दाल अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, तो ये अभी जो है वो इसमें काफ़ी दाने मौजूद हैं, तो ये थोड़ा सा दानेदार होगा टेक्सचर। अब मैं जो है वो इसको निकाल लूँगी एक बाउल में, और सारी दाल जो है वो इसी तरह ब्लेंड कर लूँगी। अब आपने जो है वो नेक्स्ट चीज़ को बहुत गौर से और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इसको समझना है, आपने क्या करना है कि दाल में जितना पानी होगा उसको अब आपने निकाल लेना है। तो उसके लिए आपने एक स्ट्रेनर या फिर एक छन्नी ले लेनी है, उसमें आपने ये सारा दाल का मिक्सचर डाल देना है, और इसको आपने इस तरह डालकर छोड़ देना है। आपने इसको दबा कर इसका पानी नहीं निकालना है। यहाँ पर जो है वो 10 मिनट के अंदर इसका अच्छे से इतना पानी हमारा दाल में मौजूद था वो सारा पानी इसमें निकल आएगा। जितने भी ठेले वाले हैं वो इसका पानी निकाल कर घर से ले आते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं। एक बाउल के अंदर जो है वो आप डाल लें ये सारा दाल का मिक्सचर, और अब मैं आपको यहाँ पर करीब से दिखाती हूँ तो इसका टेक्सचर देखें। इसके अंदर जो है वो हल्का सा मॉइस्चर मौजूद है यानी हल्का सा पानी होगा, और ये बिल्कुल दानेदार होगा। तो पहले मैं आपको शो करवा रही हूँ सबसे गलत तरीका, जो कि आपको बताया जाता है कि विस्क के साथ इसको मिक्स करना। विस्क के साथ ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा, इसमें कोई भी फ्लफीनेस नहीं आएगी। आपने अगर ठेले वाले के पास देखा हो तो उसके पास जो है वो हावन दस्ता होता है, जिसे हम पंजाब में कुंडी टंडा कहते हैं, और ये हम हर घरों में मौजूद होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मधानी। आप ये देखें इस तरह से ये होगी, और इसको आप ब्लेंडर भी कह सकते हैं एक किस्म का। तो इस ब्लेंडर के साथ आपने इसको अच्छे से इस तरह से पहले दुबाना है 5 से 10 मिनट के लिए, इस तरह से मसलना है, और फिर आपने इसको घुमाते हुए इसको मलना है ताकि ये इसमें जो दाना है वो थोड़ा सा मुलायम हो जाए और इसका दाना जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो ये ब्लेंडर में जितना ब्लेंड होना था उतना हो चुका है, और अब आपने इस तरह से इसको करना है, और इस तरह से आपने 10 से 15 मिनट या जितना टाइम लगे आपने इसके अकॉर्डिंगली करते रहना है। तो इस तरह ब्लेंड करते हुए आपने इसके अंदर एक कतरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं अब आपको इसको करीब से दिखाती हूँ, तो ये देखिए ये हो चुका है, इसका जो टेक्स्चर है वो इस तरह से हो जाएगा बिल्कुल मुलायम, और ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा। अब जब आपने इसको फ्राई करना है तभी आपने इसके अंदर नमक और बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा डालना है। 5 से 10 मिनट के लिए इसको एक साइड पे रखते हैं, तब तक के लिए हम बना लेते हैं मीठी चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया था 1 कप आलू बुखारा। इसको जो है वो मैंने ओवरनाइट जो है वो सोक कर लिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको जो है वो 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो कर रख दीजिएगा, तो ये अच्छे से सोक हो जाएगा। हम आपने जो है वो आलू बुखारे के जितने भी बीज हैं उनको निकाल लेना है, और जितने भी पल्प है इसका वो अलग से निकाल कर इसको अच्छे से छान लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी गुठली या कोई चीज़ ना रह जाए। अब इसी तरह मैंने को भी जो है वो ओवरनाइट रात को सोक कर लिया था, जैसे ही आलू बुखारे को किया उसके साथ ही, और इसको भी मैंने अच्छे से इसका पल्प निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, आधा पल्प जो है वो एक बाउल में निकाल लूँगी, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, और आधा पल्प जो है वो मैं एक सॉस पैन में डाल दूँगी, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी आलू बुखारे का पल्प,
तो अगर आपके पास आलू बुखारा नहीं है तो आप इमली को एक कप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें जो है वो हाफ हाफ कप यूज़ की हैं। हाफ कप ही मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है, इसके साथ मैंने यहाँ पर नमक है थोड़ा सा और थोड़ी सी यहाँ पर लाल मिर्च है। और बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जोश आने देंगे कि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। अगर आपके चीनी कम लगे तो आप इसमें चीनी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसमें अच्छे से जोश आ रहा है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, एक टेबलस्पून पानी में इसको डिसॉल्व करके इसको अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्का सा गाढ़ा करेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये इस तरह से हो जाएगा। जैसे ये ठंडा होगा ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। अब हम बना लेते हैं जल्दी से खट्टी चटनी, जिसके लिए आधा कप पल्प मैंने आपके सामने अलग किया था और यहाँ पर है मेरे पास हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की जो चटनी हर घर में अवेलेबल होती है वो ली है 4 टेबल स्पून। ये डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक मौजूद है तो इसलिए मैं नमक जो है वो थोड़ा सा कम लिया है। थोड़ी सी लाल मिर्च लेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है, आप कुटी हुई लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। ये अच्छे से तैयार है, इसको एक साइड पर रख लेंगे। ऑयल को जो है वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और ऑयल जो है वो हमारा लो टू मीडियम गरम होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर पानी लेंगे, एक चम्मच लेंगे इस तरह से, जो कि राउंड चिपटा सा चम्मच होना चाहिए। इसको पानी में डिप करें अच्छे से और यहाँ पर हम जल्दी से मिक्सचर ले लेते हैं दाल का और इसको अब अपने हाथ को डिप करना है पानी में इस तरह से। और इसको जो है वो आपने एक राउंड सा शेप देना है कि इसके एजेस जो है वो बिल्कुल भी राउंड होने चाहिए और इसका एक्स्ट्रा जो है वो आपने उतार लेना है चम्मच से। अब आपने इसको जल्दी जल्दी से काम करना है, मुझे आपको शो करना था तो इसलिए इसको शो करवाते कराते 2 मिनट लग गए चम्मच के ऊपर, तो इसलिए ये उतरने में काफ़ी मसला हो रहा था। तो आपने जल्दी जल्दी में करना है। तो अब आप देखिए मैं कितने आराम आराम से इसको डाल रही हूँ और कितना ईजिली जो है वो चम्मच से अलग हो रहा है। तो आपने इस तरह से इसको अलग करते जाना है और हर बार जो है वो चम्मच को आपने पानी में डिप करना है और फिर आपने इस तरह से करते जाना है। ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे और जब एक साइड हो जाएगी तो हम इसका साइड जो है वो टर्न करेंगे और इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो ये देखिए इसका अल्हम्दुलिल्लाह से लड्डू जो है वो बनकर तैयार है। आप कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, ऊपर से ये हल्के से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। कोयला जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोयला अच्छे से गर्म हो चुका था, इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे कि इसके ऊपर जो है वो अच्छे से इसमें स्मोक का फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए अच्छे से हमारे लड्डू जो है वो बनकर तैयार है और स्मोक का फ्लेवर बहुत अच्छा आ चुका था इसमें। 5 मिनट के लिए मैंने इसको स्मोक का फ्लेवर दिया था। अब हम बनाएंगे अपना एक प्लेटर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 दल लड्डू, इनको आप हल्का सा जो है वो तोड़ लें और इसके ऊपर हम डालेंगे दही। जितनी भी आपको क्वांटिटीज आपके ऊपर, आप जितना डालना चाहें आप डाल सकते हैं। खट्टी चटनी जो है वो थोड़ी कम रखिएगा क्योंकि इसमें स्पाइस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और मीठी चटनी जितनी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। इसको आप मूलियों के साथ अच्छे से सर्व करें और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। ये देखिए निहायत ही ये सॉफ्ट बनकर तैयार है। तो आपने भी बिल्कुल टिप्स को फॉलो करना है और अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लगी हैं तो आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी।